यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अपनी रथ यात्रा को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में बैठक बुलाई है और पूर्व सीएम हुड्डा ने जो कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है, इससे जाहिर है कि आने वाली रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। हुड्डा आवास पर कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसके अलावा जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक विधायक जगबीर मलिक, जयतीर्थ दहिया भी बैठक में लगभग पहुंच चुके हैं। विधायक रघुवीर कादियान, आनंद दांगी, ललित नागर भी पहुंचे हैं। हुड्डा खेमे के विधायक ज़्यादा लग रहे हैं। विधायक, सांसद और कांग्रेस नेता इस बैठक में शामिल होंगे, ये उम्मीद जताई गई है। ये बैठक बुलाई गई है 29 अप्रैल को होने वाली राहुल गांधी की रैली को लेकर चर्चा होने वाली। इस बैठक में राहुल गांधी की रैली है और इसी को लेकर चर्चा होगी। मई से शुरू होने वाली रथ यात्रा पर भी चर्चा होगी। दूसरा एक चरण होगा भूपेंद्र हुड्डा की रथ यात्रा का, तो ये बैठक काफ़ी अहम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। देखना ये भी होगा कि क्या इस बैठक में कहीं गुटबाजी तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस हरियाणा में इस तरह की गुटबाजी देखने को मिलती है जब कहीं धड़े बढ़ जाते हैं कांग्रेस हरियाणा में। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, उनकी रैली को लेकर क्या एक हो पाते हैं कांग्रेस से। तो 29 अप्रैल को रैली है राहुल गांधी की, उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। लगभग दो मसले हैं इस बैठक को लेकर, एक तो रैली ही है और दूसरा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से जो है अपनी भी रथ यात्रा का दूसरा चरण करने वाले, हो सकता है उसको लेकर भी वो चर्चा करें। और सीधे तौर पर अगर देखें तो ये चुनाव की तैयारियां ही हैं। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, लगभग 1.5 साल का समय विधानसभा चुनाव में अब बचा ही है और 1 साल का लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर भी जो है चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो हरियाणा में राजनीतिक दल हैं सभी के सभी जो है आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और सभी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह जो आने वाले चुनाव हैं उसकी तैयारी आज से ही करी जाए ताकि आने वाले समय में जनता का समर्थन उन्हें मिले, वोटों में तब्दील हो। अनिल वोर जुड़ चुके हैं दिल्ली से खबर अभी तक संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए पूरी बैठक को लेकर। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, मकसद तो मालूम होता है कि दो मसले हैं, एक जहां रैली है राहुल गांधी की और दूसरा रथ यात्रा, और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो बैठक बुला रही है, इस बैठक में बिल्कुल साफ से की बात है कि जो हुड्डा गुट के तमाम विधायक है, सांसद हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मकसद यही रहेगा और एक ही मकसद है कि 29 अप्रैल को राहुल गांधी और कांग्रेस की जो रैली हो रही है उस रैली में कैसे भीड़ जुटाई जा सकती है, क्योंकि अमूमन दिल्ली में जितनी रैलियां होती है और कहीं ना कहीं अगर रैली कामयाब करनी है तो जो ज्यादा दारोमदार होता है वो हरियाणा के ऊपर होता है। तो ऐसे में ये बैठक कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है और कहना कि अगर कांग्रेस आलाकमान कोई रैली कामयाब करनी है तो ज्यादा भीड़ हरियाणा से ही जुटा सकती है और अगर हरियाणा से ज्यादा भीड़ जुटानी है तो उसमें कहना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अहम रोल बनता। तो इसी को देखते हुए हुड्डा की अहम रोल तो बनता है हुड्डा का, लेकिन जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि हुड्डा खेमे के जो नेता है, विधायक है, वही देखने को मिलेंगे इस बैठक में, तो क्या लगता है कि एक तरफ रैली की तैयारी और दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी आलाकमान के सामने। बिल्कुल देखिए, निश्चित सी बात है क्योंकि जो हुड्डा की आवश्यक बैठक हो रही है, जो हुड्डा विरोधी गुट है, अहम अशोक तंवर, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी चंद्रा की बात करें, उस बैठक से बिल्कुल दूरी बनाएंगे। अब तक हुड्डा गुट के कई विधायक इस बैठक में पहुंच चुके हैं और कहना कहीं जो विधायक इस बैठक में आया, हुड्डा इन विधायकों को यही जिम्मेदारी देंगे कि वो अपने अपने हल्कों से कितनी भीड़ रैली के लिए ला सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के लिए रैली काफी अहम मानी जा रही है, कहना कहीं बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के पास फिलहाल मुद्दों की कमी नहीं है। SC ST Act को के जो कहीं ना कहीं दलितों में एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उनमें विरोध देखने को मिला। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई मामले आए जिनमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लेके विदेशों में फरार हो जाते हैं। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होगी, बीजेपी को घेरेगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस एक बड़ी रैली, बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में करेगी, उस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी हरियाणा के कंधों पे रहेगी। तो इसी को देखते हुए हुड्डा ने ये बैठक बुलाई। इस बैठक के लिए फिलहाल हुड्डा गुट के कई विधायक पहुंच चुके हैं। साथ ही अनिल, ये भी इसमें कहीं ना कहीं हुड्डा का मकसद होगा कि जो खुद दूसरा चरण की रथ यात्रा करने वाले हैं, अपना जो वर्चस्व फिर से कायम करना चाहते हैं जनता के बीच, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के दूसरे जो विरोधी नेता हैं उनको भी दिखाना चाहते हैं कि अब की बार जो रथ यात्रा करें उसको बिल्कुल सही तरीके से कामयाब करें।
देखिए, जो हुड्डा की रथ यात्रा थी उसका पहला पार्ट था, जो पहले हुड्डा की रथ यात्रा शुरू हुई थी होटल से वो पहला पार्ट हो, उसका जो दूसरे चरण की रथ यात्रा वो पानीपत से शुरू होगी, मई में रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस बैठक में कम ही उम्मीद है कि उस रथ यात्रा को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि उसमें अभी काफी समय बचा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस रथ यात्रा से पहले, क्योंकि रथ यात्रा मई में होनी और जो शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस का, जो कांग्रेस की रैली है वो 29 अप्रैल को होनी है, ऐसे में 29 अप्रैल के लिए समय कम ही बचा। तो ऐसे में जो विधायक, जो पार्टी के नेता इस बैठक में पहुंचेगी, उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो 29 तारीख की रैली को लेकर ही जिम्मेदारी दी जाएगी। हुड्डा की तरफ से जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये तमाम जो नेता है, विधायक है, सांसद जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आप इस बैठक पर नज़र बनाए रखिएगा, आपसे तमाम जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी है।